दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एडवाइज़र पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए अगर आप मिनिमम 10th भी पास हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अप्लाई करके भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर SMS आए। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक रिक्वायरमेंट 2023 यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा वैकेंसी नेम में देखने को मिल रहा होगा कि एडवाइजर, यानी कि एडवाइजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसे आप सलाहकार भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आपका बेसिकली काम रहने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलाने के लिए आकर्षित करना और छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना बेसिकली इसमें आपका काम रहने वाला है। यहाँ पर अप्लाई का जो मोड रखा गया है वो ऑनलाइन तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के सबसे पहले तो होने ही चाहिए। दूसरा जो शर्त रखा गया है वो आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो आपका 10th पास रखा गया है, यानी कि आप मिनिमम 10th भी पास हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई के लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, एक बायोडाटा होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज़ आपके पास होने चाहिए तभी जाकर दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा अप्लाई का, यहाँ से क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा वाला जो लिंक दिया गया है यहाँ से क्लिक करके आप पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और दोस्तों तीसरा जो लिंक दिया गया है यहाँ से क्लिक करके आप और भी ढेर सारे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको अप्लाई करके बताते हैं कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर SMS आए। दोस्तों यहाँ पे जो अप्लाई वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नेम, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला में आपको अपना नाम डालना है। दोस्तों दूसरे वाला में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में आपको फिल करना है। दोस्तों चौथा वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप अपना एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं और दोस्तों लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालिए और यहाँ पे टिक करके लास्ट में आपको सबमिट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो इस कंपनी के HR के पास पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोन कॉल या फिर ईमेल आईडी के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब और कहां पर लिया जाएगा, तो आप अपना इंटरव्यू पास करके इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं।